असलम डेयर स्टूडेंट्स होप यू ऑल डूइंग गुड सेफ डर स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो वी आर डूइंग यूनिट नंबर सिक्स आज हम इस यूनिट का लास्ट टॉपिक करेंगे डेट इज़ फिजिकल एंड केमिकल चेंज जो आपके पेज नंबर सिक्सटी थ्री और सिक्सटी फोर पर है और साथ ही साथ इससे रिलेटेड अपनी वर्क बुकों को भी वर्क बुक के क्वेश्चन को भी क्लोज करेंगे डियर स्टूडेंट्स पेज नंबर सिक्सटी थ्री पर है हमारे पास फिजिकल एंड केमिकल चेंज when candles melt or water boil both change from one state to another वो कहते हैं जब आपकी कैंडल जो है मेल्ट होती है जब आपका पानी या बॉयल होता है दोनों ही सूरतों में जो मैटर की स्टेट है वो चेंज होती है यानी कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाती है नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म लेकिन कोई भी नई चीज़ नहीं बनती है दिस इज़ आ फिजिकल चेंज ऐसे चेंज हुआ हम कहते हैं फिजिकल चेंजिंग तो सूरत फिज़िकल चेंज में क्या होता है कि जो स्टेट ऑफ मेटल्स चेंज होती हैं ठीक है समटाइम जो होता है किसी चीज़ का जस्ट साइज चेंज होता है लेकिन उसमें एक नई चीज़ जो है एक नया सब्सटेंस जो होता है वो नहीं बनता ठीक है इसमें आपको सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ आइस है जो कि एक सॉलिड फॉर्म है आपने आइस को नॉर्मल uh, टेम्परेचर पर रखा है रूम टेम्परेचर पर या थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर पर रखे तो वो आइस वाटर में चेंज हो जाती है आइस एक सॉलिड फॉर्म है वाटर एक लिक्विड फॉर्म है जब आपने हीट की ही दिया तो वो ली वाटर में चेंज हो गई लेकिन इससे जो है एक कोई नई चीज़ नहीं बनी ठीक है और एक और पॉइंट अपने जहन में रखा कि मोस्टली जो फिज़िकल चेंजिंग्स होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं यानी कि अगर आप चाहें तो जो आइस वाटर बनी है अगर इस वाटर को आप फिर से फ्रिज में रख दें तो अगेन जो है वो आइस में चेंज हो जाएगा यानी हम इसको रिवर्स कर सकते हैं तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास फ़िज़िकल चेंज इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जाम्पल देती हूँ जैसे पेपर है अब एक पेपर एक कंप्यूटर पे, शीट लें एक पेज लें आप उसको कट करें तो दो पार्ट में चेंज हो जाएगा ठीक है यानी कि पहले एक पेपर था वो दो पीसीस में चेंज हो गया ऐसे चेंजिंग को भी हम फिज़िकल चेंज कहते हैं यानी कि इसमें भी कोई नई चीज़ जो है वो नहीं बनती ओके okay, स्टूडेंट अब हम बात करते हैं केमिकल चेंज की एक जनरल बता दूं केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जिसकी में एक नई चीज़ बन जाती है और हम उसको रिवर्स भी नहीं कर सकते रीडिंग देखते हैं When वुड एंड पेपर बर्न जब आप किसी लकड़ी को या पेपर को जलाते हैं ashes तो एक उसकी राग बन जाती है अ न्यू सब्सटेंस इस फॉर्म जो कि एक नई चीज़ है वी से अ chemical change चेंज हैज़ टेकन प्लेस हम कहते हैं कि ये केमिकल चेंज जो है वो हो गया है फॉर एग्जांपल अब एग बॉयल करें तो एग बॉयल होने के बाद एक नई चीज़ बन जाता है पहले उसके अंदर एक लिक्विड सा चीज़ थी, थी फिर वो एक सॉलिड चीज में आ गया ठीक है बिल्कुल एक नई चीज़ बनकर और आप इसको रिवर्स भी नहीं कर सकते इसे हम कहते हैं केमिकल चेंजिंग्स तो स्टूडेंट इसी के साथ हमारा जो यूनिट नंबर सिक्स है उसकी रीडिंग क्लोज होती है अब हम जो इसका वर्कबुक के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं कुछ ऑब्जेक्टिव रह गए हैं उनको जो है कंप्लीट करते हैं स्टूडेंट्स आज हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर तो हमने यूनिट नंबर सिक्स से कंप्लीट कर लिए हैं आज हम इसके ऑब्जेक्टिव करेंगे यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स और कॉलम मैचिंग एंड ट्रूफॉल्स करेंगे और लास्ट में मैं आपको एक एक्टिविटी भी दूंगी तो स्टूडेंट्स आपकी वर्कबुक के पेज नंबर सिक्सटीन पर हैं हमारे पास पल ब्लैंक्स मैटर इज़ मेड अप ऑफ डैश जो मैटर है वो डैश से मिलकर बना है पार्टिकल से मिलकर बना है द पार्टिकल्स इन आर डैश आर पैक वेरी क्लोजली टुगेदर वो कहते हैं किसके पार्टिकल्स जो हैं दूसरे है के बहुत क्लोज होते हैं सॉलिड के द डैश इन अ लिक्विड आर पैक लूजली टुगेदर दे कैन फ्लो लिक्विड की क्या चीज़ एक दूसरे के बहुत क्लोज होती है जिसकी वजह से वो फ्लो कर सकते हैं पार्टिकल्स द इन अ गैस द डैश बिटवीन द पार्टिकल्स आर बिगर पार्टिकल्स के दरमियान जो है वो क्या गैस के पार्टिकल्स के दरमियान क्या चीज़ बहुत ज़्यादा होती है स्पेस तो स्टूडेंट ये हैं आपकी फिलिंग ब्लैंक्स नेक्स्ट हम करेंगे कॉलम मैचिंग कहते हैं मैच द डेफिनेशन इन कॉलम ए विद द करेक्ट टर्म इन कॉलम बी कॉल आपके पास टू कॉलम्स हैं ए एंड बी ए पर आपके पास कुछ डेफिनेशन है और बी पर उन्हीं डेफिनेशन के नेम है आप एक करेक्ट डेफिनेशन को उसके नेम के साथ मैच करने हैं और नीचे इस तरह से आंसर राइट right करने हैं नंबर वन ट्रीट करते हैं अ चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म एक ऐसा चेंज जिसमें आपके पास एक नई चीज़ बनती है तो ऐसे चेंज को हमने कहते हैं केमिकल चेंज अब देखिए केमिकल चेंज से पहले आपके पास एक अल्फ़ाबेट सी लिखा हुआ है तो आपने वन के आगे लिखना है सी नंबर टू है अ चेंज ऑफ स्टेट बट नो न्यू सब्सटेंस आर्ट फॉर्म एक नई जो है वो स्टेट ऑफ मैटर तो चेंज होती है बल्कि बट कोई नई चीज़ नहीं बनती ऐसे चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज फिज़िकल चेंज के लिए हमारे पास है लेटर ए और आपने टू में लिखना है लेटर ए नंबर थ्री हमारे पास एवरी थिंग इन दर्ल्ड डैट हैज़ मैथ एंड ओकोपाई स्पेसिया की हर चीज़ जिसका मैथ होता है कोई जगह लेती है उसको हम क्या कहते हैं मैटर तो थ्री में आपने लिखना है बी ये थी आपकी कॉलम मैचिंग ओके स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने पेज नंबर सेवनटीन पर ट्रू फॉल्स करने हैं रीड कर लेते हैं पार्टिकल्स मूव पार्टिकल्स मूव करते हैं यस पार्टिकल मूव करते हैं इज ट्रू नेक्स्ट है आपके पास पार्टिकल्स इन अ गैस आर पैक टाइटली टुगेदर गैस के पार्टिकल एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं फॉल्स अ लीटर ऑफ वाटर इज मोर वन इट इज़ इन अ फाइव लीटर कंटेनर अगर एक लीटर वाटर को फाइव लीटर कंटेनर में डाल दें तो वो ज़्यादा होता है नो पार्टिकल्स इन औरेंज जूस आर पैक लेस क्लोजली दैन दोज इन औरेंज आइस लॉली वो कहते हैं आइस लॉली के पार्टिकल्स जो हैं वो से कम क्लोज होता है औरेंज जूस के पार्टिकल्स नो इज्रॉन्ग क्योंकि ऑरेंज जूस तो लिक्विड फार्म है जबकि ऑरेंज आइस लॉली सॉलिड फार्म है यस yes. है हमारे सॉलिड फॉर्म में पार्टिकल्स क्लोज होते हैं और लिक्विड फॉर्म के अंदर कम क्लोज होते हैं तो उस पॉइंट से इट इज़ ट्रू आइस मेल्ट इनटू टू आ गैस आइस गैस के अंदर चेंज होती है स्टूडेंट्स आइस गैस में नहीं बल्कि लिक्विड में चेंज होती है इट्स फॉल्स तो ये हैं हमारे ट्रू फॉल्स स्टूडेंट्स वर्कबुक के पेज नंबर नाइनटीन पर आपके पास एक एक्टिविटी है जिसको आपने खुद कम्प्लीट करना है थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँ टू चेंज थिंग्स वी ऑफ्टन यूज़ हीट चीज़ों को चेंज चीज़ करने के लिए हम हीट को यूज़ करते हैं फाइंड आउट वाट हैपन टू सर्टन थिंग तो आपने ये बताना है कि इन चीज़ों के साथ क्या होता है वैन यू हीट जब आप उन्हें गर्म करते हैं डज द साइज चेंज क्या साइज़ चेंज होता है डज द कलर चेंज क्या कलर चेंज होता है डज द टेक्सचर चेंज क्या टेक्स्चर चेंज होता है ठीक है नंबर वन सब्सटेंस है हमारे पास एग अब आपने एग को क्या किया है आपने उसको हीट के ज़रिए बॉइल किया है और हीट के ज़रिए फ्राई किया है तो सरून जब आप एग को बॉइल करते हैं तो क्या उसका साइज चेंज होता है नो no. जितना साइज पहले था उतना ही साइज़ वो बाहर पाथ में भी रहेगा डज द कलर चेंज क्या उसका कलर चेंज होता है नो येलो पार्ट येलो ही रहता है वाइट पार्ट वाइट ही रहता है डज टेक्सचर चेंज येस टेक्सचर चेंज तो इसी तरीके से आपने यहाँ पर मेंशन करना है क्या चीज़ चेंज होती है और क्या चीज़ जो है वो चेंज नहीं होती बाकी है आपके पास वाटर शुगर मिल्क ये सारे को आपने कंप्लीट करना है ठीक है आप जैसे हमने आपको बताना है वाटर वाटर को जब हीट देते हो तो आप उसे क्या करते हो बॉयल करते हो शुगर को हीट देते हो तो क्या करते हो मिल्क को हीट देते हो तो क्या होता है उसे मिल्क बॉयल होता है फ्रीज़ होता है क्या होता है तो आपने यहाँ पर मेंशन करना है साथ ही साथ आपने ये कंप्लीट करना है स्टूडेंट इसी के साथ हमारे जूनियर नंबर सिक्स के रीडिंग और बुक वर्क जो है वो सॉरी वर्कबुक जो है वो कंप्लीट होती है अगर अभी भी कुछ इशू है तो आप मुझे बता दें सो आई कैन सॉल्व दैम नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह न्यू लेक्चर न्यू टॉपिक्स और न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे ठीक है और साथ ही उसकी वर्कबुक भी कंप्लीट करेंगे थैंक यू